तारे की कहानी शुरू होने से पहले हो सकता था हमारी कहानी ख़त्म हो जाती। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात दरअसल ये थी कि 23 सितंबर रात को 9:30 बजे हमें एक कॉल आई कि रामपुरा फुल के नज़दीकी इलाके मोड़ रोड पर एक बैल है जो बुरी तरह से घायल हुआ पड़ा है। सूचना मिलते ही वहाँ हमारी टीम मौके पर पहुँच गई। हमने वहाँ पर जाकर देखा कि एक बैल है जिसके पीठ से खून की धारियाँ निकल रही हैं। हमने वहाँ पर जाकर डिसाइड किया कि हम इसका रोड पर ट्रीटमेंट करने की बजाय इसे हमारे हॉस्पिटल पर ही लेकर चलते हैं। तो अब दारा की कहानी शुरू होने वाली थी, लेकिन हमारी कहानी शायद ख़त्म भी हो सकती थी। मैंने आपको ये क्यों कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दारा को लेकर आने से तकरीबन 1.5 मिनट पहले हमने अपने फेसबुक पेज पर लाइव स्टार्ट कर दी थी। हमें नहीं अंदाजा था कि 1.5 मिनट बाद हमारे साथ एक हादसा हो सकता है। दारा हमारे आगे जा रहा था ट्रैक्टर पर और हम उसके पीछे स्कूटी लेकर आ रहे थे। हमारे पीछे एक गाड़ी आई जो हमारे बिल्कुल पास आकर रुक गई और हॉर्न मारने लगी। वीडियो में उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी हमारे कितनी पास आकर रुकी होगी। जब इतने बड़े फ्लाई ओवर पर गाड़ी हमारा लगातार पीछा करती रही तो हमने सोचा कि हमें अपनी स्कूटी और हमारे ट्रैक्टर साइड पर रोककर इस बंदे से बात करनी चाहिए। पूछिए, एक मिनट रुक। हाँ जी, हार्न मार रहे हूँ, हार्न मार रहे हैं, हार्न क्यों रे? देखिए, बात बढ़ाने को तो हम और भी बात बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे साथ वहाँ पर एक दारा था जिसको ट्रीटमेंट की सख्त और जल्द से जल्द ज़रूरत थी। हम दारा को अपने हॉस्पिटल में ले आए। देखिए, दारा को यहाँ पर आए अभी 2 दिन हो गए हैं। दारा हम सबसे घुलने मिलने लग गया है और साथ ही साथ में दारा के हेल्थ में भी अब रिकवरी आ रही है। आप हमारी और दारा की मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके और हमारे साथ जुड़कर।